धर्म वैदिक आर्य नाम, धर्म वैदिक आर्य नाम। एक ईश्वर की करे उपासना रोज सवेरे शाम, धर्म वैदिक आर्य नाम, धर्म वैदिक आर्य नाम। चराचर जग का स्वामी, चराचर जग का स्वामी, जगत का पिता एक है। चराचर जग का स्वामी, जगत का पिता एक है। सबके शुभ अशुभ कर्म का जिसे पूरा विवेक है। पृथ्वी सूरज नभ तारे, चंद्र आकाश बनाए, वेद के अंदर प्रभु के असंख्य नाम बताए। मुख्य नाम है ओम प्रभु का, वही है आनंद धाम, धर्म वैदिक आर्य नाम, धर्म वैदिक आर्य नाम। एक ईश्वर की करे उपासना रोज सवेरे शाम, धर्म वैदिक आर्य नाम। विश्व के सर्वेश्वर का एक ही संविधान है। विश्व के सर्वेश्वर का एक ही संविधान है। अग्नि वायु आदित्य अंगिरा को दिया जान है। जान ऋग्वेद के अंदर यजु में कर्म प्रधान है। उपासना साम वेद में अथर्व में विजान है। सबसे पहले वेद की रचना माने जगत मां, धर्म वैदिक आर्य नाम, धर्म वैदिक आर्य नाम। एक ईश्वर की करे उपासना रोज सवेरे शाम, धर्म वैदिक आर्य नाम, धर्म वैदिक आर्य नाम। हिमालय से विंध्याचल अटक ब्रह्मपुत्र बताया, हिमालय से विंध्याचल अटक ब्रह्मपुत्र बताया। इनका जो मध्य भाग है आर्यावर्त कहाया। वेद अनुकूल जीवन करता जो श्रेष्ठ कार्य है, वही ईश्वर का पुत्र है, कहाता वही आर्य है। आर्य कहाते थे अपने को श्री राम घनश्याम, धर्म वैदिक आर्य नाम, धर्म वैदिक आर्य नाम। एक ईश्वर की करे उपासना रोज सवेरे शाम, धर्म वैदिक आर्य नाम। महाभारत की फूट से भाग भारत का फूटा, महाभारत की फूट से
भाग्य भारत का फूटा, पाखंड और अंधविश्वास में धर्म से नाता टूटा। रक्षक सोमनाथ हैं, निकला विश्वास झूठा। महमूद गजनबी ने सभी मंदिरों को लूटा। अपनी गलती समझा नरेश पाखंड का ये परिणाम। धर्म वैदिक आर्य नाम, धर्म वैदिक आर्य नाम। एक ईश्वर की करे उपासना रोज सवेरे शाम। धर्म वैदिक आर्य नाम, धर्म वैदिक आर्य नाम। रामचरित मानस में आता है हरि अनंत हरि कथा अनंता। कुछ लोगों ने इसको मान लिया परमात्मा अनेक हैं तो उनकी कथाएं भी अनेक हैं, पर ऋषि रामजी महाराज जिस समय वेदों का अध्ययन करते हैं तो वेदों के अंदर मिला स एष एक, वह परमात्मा एक ही है। और वेद में आता है पतिरेक आसीत, वह परमात्मा एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। इसलिए आरती में भी गाते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किंतु कुछ लोग कहते हैं जी तीन ईश्वर को तो लोग वैसे भी मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। पर ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं परमात्मा इस संसार को बनाता है तो वह ब्रह्मा कहलाता है, इस संसार का पालन करता है तो वही विष्णु कहलाता है, और इस संसार का संहार करता है तो वही महेश कहलाता है। एक ही परमात्मा की ये तीनों अलग अलग नाम हैं। इसीलिए कहा गया ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। जो संसार को बनाता है चलाता भी वही है, इसलिए सृष्टि का नियम है जिसने जो चीज बनाई है उसको चलाने का काम भी वही करता है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में है सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में है सब समाए। नियम है सत्य यही धरा का, नियम है सत्य यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय
कर दिया लौट कर फिर से आना, इसने भेजा जगत ने जाना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, इसीलिए योगी राज कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इसलिए विद्वान कहते हैं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है, और जो मरता है उसका जन्म भी होता है। जो बैठे हैं धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुलशन की रंगत बढ़ा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। प्रश्न होता है, कौन है वो जो इस सृष्टि को चला रहा है? तो विद्वानों ने कहा है, जो वस्तु बनती है वो बाद में बनती है, बनाने वाला पहले होता है। और इसलिए वेद में आता है, जो इस जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, इससे सिद्ध होता है बनाने वाला पहले होता है और बनने वाली चीज बाद में बनती है। ये हारमोनियम किसी ने बाद में बनाया और इसको बनाने वाला पहले विद्यमान था। आप जिसको भी परमात्मा माने उसके साथ में ये कसौटी जरूर कस करके देखें, क्योंकि बनाने वाला पहले होता है और बनने वाली चीज बाद में बनती है। तो ऐसा कौन है जो इस संसार के बनाने से पूर्व वर्तमान था? तो ऋषि लिखते हैं, पहले लोग कहा करते थे, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, और जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा। वह परमात्मा इस संसार के बनाने से पूर्व वर्तमान था, इसलिए कहा है, सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है, सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है, इन चांद सितारों में उसी की शीतल छाया है, इन चांद सितारों में
उसी की शीतल छाया है, धरती की गोद में उसी का दुलार था, उसी का दुलार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसलिए महाभारत में एक प्रश्न आता है, यक्षराज युधिष्ठिर जी से पूछते हैं, ये बताओ ये सूर्य किसकी प्रेरणा से निकलता है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ब्रह्म की शक्ति से सब चक्र चलता है, क्योंकि वेद में आया है सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। वह परमात्मा कैसा है जो सूर्य में भी ज्योति भरने वाला है, प्रकाश भरने वाला है। इसीलिए विद्वान कहते हैं, फूलों के आंगन में ये सुंदर रूप उसी का है, फूलों के आंगन में ये सुंदर रूप उसी का है, भंवरों की तानों में मधुर संगीत उसी का है, भंवरों की तानों में मधुर संगीत उसी का है, आकाश जल थल का वही कलाकार था, वही कलाकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले सुख दुख का लंबा खेल विधाता ने जो रचाया है, सुख दुख का लंबा खेल विधाता ने जो रचाया है, बंदे तेरी करनी का ये नक्शा सामने आया है, बंदे तेरी करनी का ये नक्शा सामने आया है, तेरे पिछले कर्मों का उसी पर हिसाब था, उसी पर हिसाब था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा।